करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैदा, ये मैंने 1 गिलास भर के मैदा ले लिया है, तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा है, 1.5 पाव आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। और ये ऑयल है, और ये 2 अंडे हैं, और ये एक प्याली मैंने दही लिया है, और इसके साथ 1 चम्मच भर के चीनी है, और ये नमक है हसबे जायका, और ये 1 भर के चम्मच बेकिंग पाउडर है, और ये 1 चम्मच ईस्ट है। तो चलें हम बारी बारी सब चीज़ें मैदे के अंदर शामिल कर देंगे। दही मैं ज़रूर ऐड करती हूँ क्योंकि इससे डो हमारी बहुत नरम बनती है। कुछ लोगों को शिकायत होती है कि हमारी डो जो है वो बहुत सख्त हो जाती है, आप इसी तरीके बनाएं तो बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी। और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेंगे, साथ में ऑयल डाल दूँगी। मैंने ये सांचा बहुत अच्छा रखा हुआ है, मैं हमेशा जब भी कुछ बनाना होता है पिज़्ज़ा से रिलेटेड, कोई डो या कुछ भी डो बनानी होती है मुझे जब भी, तो मैं यही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ। तो मान लीजिए बहुत ही अच्छी डो बनती है, सॉफ्ट होती है और बहुत मज़े की, सॉल्टी सी मीठी सी। देखिए मुझे जितनी गुंजाइश होगी, जितनी ज़रूरत होगी, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी क्योंकि दूसरी चीज़ों से ही ये काफ़ी अच्छी नरम हो गई है। इसको मैं 10 से 12 मिनट अच्छी तरह गूंदूँगी, 15 मिनट भी आप गूंद सकते हैं क्योंकि डो जो है वो बहुत अच्छी गूंदी होनी चाहिए। और इसको मैं गूंद लूँ पहले जी। डो बहुत अच्छी गूंद गई है, देखिए मैंने इसके ऊपर ऑयल लगा दिया है, और एक गीला हाथ जो है वो मैंने पानी का भी लगाया क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग डो को ऑयल लगा के रखते हैं और वो ऑयल के साथ भी काफ़ी ड्राई ड्राई होने लगती है। और ये देखिए मैंने इसको फुल ग्रीसी कर दिया, और इसके ऊपर मैं प्लास्टिक रैप कर दूंगी, और इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे राइस होने के लिए। और अब हम दूसरी तैयारी कर लेंगे अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सतरंगी फूड्स चैनल, और मैं समीना तारिक हूँ आपकी दोस्त। कैसे हैं सब लोग? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे सब बहन भाई, मेरे सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जी आज बहुत ही मज़े की चीज़ बनने वाली है जो कि सबको बहुत पसंद होती है और खा के मज़ा ही आ जाएगा। वो क्या है, आज बना रही हूँ पिज़्ज़ा व्हील्स, और उसके लिए मैंने क्या कुछ लिया है ये देख सकते हैं आप। मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसको धो के नमक और सिरका के साथ, देखे मैंने इसे बिल्कुल सेट कर लिया है, कट्स लगा लिए मैंने। इसको मैरिनेट करने के लिए ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और ये सिरका है, ये देखें ये हिल रहा है, सिरका ये, और साथ में टिक्का मसाला है, और ये 2 चम्मच ऑयल है। और जी इसके साथ टॉपिंग के लिए मैंने लिए है चॉप किए हुए प्याज हैं, ऑलिव्स हैं, और शिमला मिर्च है, और चेडर और मोज़रेला चीज़ है। और इसके साथ सबसे मेन चीज़ जो है वो हमारी डो है, ये देखें बिल्कुल राइस है। और इसकी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट, देखें इसके अंदर, ये छोटू सी है लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारा आ जाता है। और ये है सिरका, और जी इसके अंदर टिक्का मसाला, सिर्फ जो है यही इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके अंदर जाएंगे। और ये रहा ऑयल, और इसको मैं बहुत अच्छा सा मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी, छोड़ दूँगी इसको। चलिए जी इसको मैंने मैरिनेट कर दिया, इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए जी 10 मिनट की रेस्ट हो गई है, और पैन मैंने रख दिया है चूल्हे पर, और जी मैं अब इसको पैन के अंदर डाल रही हूँ, और इसका जो बैटर है वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है, और इसको बिल्कुल स्लो टू मीडियम पर पकने देंगे ताकि अच्छा सा गल जाए। चलें जी ये देखें पकना शुरू हो गया है, और अब मैं इसके ऊपर ये ढक्कन रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। 5 मिनट हम एक साइड पकाएंगे और 5 मिनट हम दूसरी साइड पकाएंगे। चलें जी ये तो हो गया है पीस जो हमने रखा था, और फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे इस तरह, बहुत बारीक बारीक।
जी चिकन हो गया बहुत बारीक, और अब हम इसको साइड पर कर देंगे। और अब हम देख लेंगे डो को, देखें डम डम हो रहा है। अब इसको निकाल लेंगे और इसको पंच करेंगे। बहुत अच्छी राइस हो गई है। ये देखिए जी, हमने इसके सारे बबल्स जो हैं वो निकाल लेंगे इसको दबा दबा के, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी ये एयर्स बबल ना रहे। ये देखें जी, इसके मैंने दो पेड़े बना लिए हैं, और नीचे मैंने मैदा डस्ट कर दिया है कि ये नीचे से जुड़े नहीं। और अब इसको बेल लेंगे। चलें जी, ये देखें मैंने इसको चौकोर शेप में इसको सेट कर लिया, इस तरह लंबाई दे दी है और इतनी चौड़ाई दे दी है मैंने। और अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ये देखें मैंने बिल्कुल आखिरी सिरे तक मैंने सॉस लगा दी है, ताकि इसका टेस्ट जो है वो बिल्कुल फीका ना रहे कहीं से। और अभी ये मैं चेडर चीज़ लगा रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में, और साथ में मोज़रेला भी है, ये मैं मिक्स करके लगा रही हूँ। चलिए जी, देख सकते हैं मैंने चीज़ डाल दी है। चीज़ आप अपनी पसंद से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, और जो टॉपिंग है चिकन की वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं चिकन डाल रही हूँ। और अब बारी है ये शिमला मिर्च की, क्योंकि जब पिज़्ज़ा से रिलेटेड कुछ भी हो उसमें शिमला मिर्च ना हो मज़ा ही नहीं आता। और प्याज भी, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये चॉप्ड प्याज। ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से प्याज और मिर्च जो है वो स्किप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर ऑलिव्स, जो कि इसकी मेन पहचान है। ये जी सब कुछ मैंने डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर फिर थोड़ी थोड़ी और चीज़ डालूँगी, चेडर और मोज़रेला थोड़ी थोड़ी जगह पे। ये जी सब कुछ टॉपिंग हो गई है सब चीज़ों की, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और ओरिगैनो का स्प्रिंकल करूँगी, बारीक वाला जो है। चलिए जी, अब आपने इस बात का एक मेन चीज़ है, ये मेन टिप है कि आपने ख्याल रखना है ये जो इसकी साइड्स हैं, ये वाली साइड्स जो हैं बिल्कुल छोटी ये वाली, इन पर आपने टॉपिंग अच्छी खासी करनी है, क्योंकि जब हम गोल रोटी बनाते हैं तो साइडों पे बिल्कुल भी फिलिंग जो होती है स्टफिंग वो कम होती है, और सेंटर से भरे हुए पीसे आ जाते हैं व्हील, और साइड्स वाले कम रह जाते हैं। अब देखिए इसको ऐसे करना है, फोल्ड करना है। इसी तरह बड़े आराम से प्यार से फोल्ड करते जाना है। आगे इसको कटिंग करने की, तो हमने टू फिंगर्स रखना है और इसको कट करना है। ये देखें मैंने बहुत कोशिश की है कि ये बिल्कुल बैलेंस रहे, और ये देखें माशाल्लाह से एंड तक हमारी स्टफिंग है। और अब मैं इसके लिए छुरी बड़ी ले लूँगी, ये देखें फिर मैं टू फिंगर्स रखूँगी और कट कर दूँगी। चलिए जी, ये देख सकते हैं आप, मैंने इन सबको सीधा कर लिया, और इनके अंदर एक एक ऑलिव जो है वो सेट कर दिया है। और प्री हीट होने के लिए मैंने पतीला भी रख दिया है, और कुछ मैं पतीले में बनाऊंगी और कुछ मैं ओवन में बनाऊंगी। आप चाहें तो उसे पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने वो दोनों चीज़ें प्री हीट कर दी हैं। तो चलिए रखते हैं। चलिए जी, ये देख लें मैंने कुछ पतीले के अंदर रख दिए हैं और बंद कर दूँगी। ये देखें इसको मैंने ऑयल कर दिया है, और अब मैं एक एक व्हील उठाकर इधर रखती जाऊंगी। ये देखें जब मैं इसको रखने लगी ओवन के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बंद कर दूंगी, और 15 मिनट्स के लिए इसको मैं वेट करूंगी। बंद कर दिया है और देखते हैं माशाल्लाह। ये देखें पूरे 15 मिनट के बाद ये माशाल्लाह से ये रिज़ल्ट आया है,
और ये देखिए के सामने बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास ओवन नहीं है, ये पैन में भी बनते हैं और पतीले में भी बन जाते हैं, कढ़ाई में बन जाते हैं। चलें जी अब हम ओवन वाले भी निकाल लेते हैं। चलें जी माशाल्लाह से ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया इनका, बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा। ये देखें जी बहुत ही गर्म है और ये देखें और जी ये देखें और ये देखें इनका जो साइज़ कम बड़ा छोटा जो आया वो बस उसके हिसाब से है। ये देखें ये पिज़्ज़ा, ये ओवन वाले हैं और वो पतीले वाले हैं। बहुत गर्म है तो हाथ भी नहीं लगाया जा रहा। ये लें, ये देखें जी कितने मज़े के और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, मुंह में पानी आ गया है। आप बनाएं और खाएं और खूब मज़े उड़ाएं। और देखिए इतने सॉफ्ट हैं, मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, बहुत गर्म है। चलें जी अब ये खोलें, पहले में तो डर लग रहा है, अभी बहुत ही गर्म है, मान लीजिए कि बहुत गर्म है। और मैं इसको छुरी से ही, मेरा दिल कर रहा है कि मैं काटूँ और देखूँ। ये देखें बहुत ही यमी वो और चीज़ी, बहुत मज़े का। और ये देखें ये भी बहुत सॉफ्ट बने हैं, दोनों दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया और मुझे तोड़े भी नहीं जा रहे। लेकिन आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके पिज़्ज़ा विल कैसे बने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर ज़रूर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, मुझे हौसला अफजाई होगी। और बताइएगा कि मेरे पिज़्ज़ा विल कैसे बने। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ओके अल्लाह हाफिज़।